आपको दिख रहा होगा बेसिक ट्रेनिंग सेंटर वाड़ीबंदर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम जो बात करने जा रहे हैं आज ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वर्कशॉप डेवलपमेंट स्किल कोचिंग टीचिंग नॉलेज लर्निंग, दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रेनिंग। Training should be confined to trainees. It should be a continuous process and should include the entire professional staff of the agency. The more our people learn, the more useful they can be to our client. इसका कहने का मतलब है ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये एक बार आज बताया गया और फिर इसके बाद छोड़ दिया जाए। जितना ही आप लोगों के बारे में ट्रेनिंग बताया जाएगा उतनी बढ़िया आप सिस्टम को जानेंगे। तो आज का जो सेमिनार है मतलब ये क्लास है वो है एयर स्प्रिंग एंड फीबा एडिक्रेट एलएचपी कोचेस नीड फंक्शन ट्रबल शूटिंग, यानी इसकी आवश्यकता के ऊपर इसका तरीका है और इसमें जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। आई होप कि सभी लोगों को आवाज जा रहा है और स्क्रीन बराबर दिख रहा होगा। कोई रिस्पॉन्स करे वेरी गुड। चलिए हम एयर स्प्रिंग पर बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाई एयर सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड, एयर सस्पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोग पहले से जानते होंगे कि अगर हम एक एग्जांपल लें अगर तो आप लोग मुंबई के लोकल के बारे में तो बहुत ज्यादा जानते हैं। मुंबई के लोकल में आपने कभी अनुभव किया है कि जब सुबह का टाइम होता है तो जनरली देखिए कि लोकल आता है और हम लोग चलते हुए लोकल पर चढ़ लेते हैं और जब लोकल खाली हो जाता है टाइम में, जब आप पीक टाइम में जैसे मान लीजिए मुंबई की साइड में आप जाते हैं, मुंबई में जाने के बाद लोकल खाली हो जाता है तो उस समय कभी भी आप एक्सपीरियंस करिए तो ऐसा नहीं होता है कि उसका प्लेटफॉर्म से हाइट कम और ज्यादा होता हो। उसके पीछे का कारण है कि उसमें एयर स्प्रिंग फिटेड है, यानी एयर स्प्रिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ये रहेगा कि उसमें बफर हाइट वो कांस्टेंट रहेगा, वो अप एंड डाउन फ्लोर हाइट जो है वो प्लेटफॉर्म से कांस्टेंट रहेगा, वो लोड बढ़ने या घटने के साथ ऊपर और नीचे नहीं आ है। इसी से एक्सपीरियंस लेकर के रेलवे ने ट्राई किया, सबसे पहले पैसेंजर कोचेज में डीएस कोचेज में, जीएस कोचेज का अनुभव अगर आप लोगों को हो तो देखिए महानगरी हो गया, गोदान हो गया, कामायनी हो गया, इन सब में क्या होता है कि 90 लोगों के बैठने का सीट है लेकिन 350-400 लोग घुस जाते हैं तो पता चलता है कि कॉयल स्प्रिंग जो लगा हुआ है कॉयल स्प्रिंग बैठ जाता है और बफर हाइट हमारा लो जाता है, गाड़ी सिक मारना पड़ता है। तो इसको एलएचपी के कोचेज में लगाया गया, सबसे पहले जनरल कोचेज में, फिर हम स्लीपर में, एसी में, अभी ये इस तरह से एयर स्प्रिंग ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें कांस्टेंट फ्लोर हाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोडिंग, लोड चाहे बढ़े या घटे लेकिन इसका फ्लोर हाइट देखते हैं हम लोग कैसे लगता है एयर स्प्रिंग। आपको ये पता है कि प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन, यानी प्राइमरी सस्पेंशन वो कहलाता है जो व्हील के पास लगा हुआ स्प्रिंग होता है, जैसे इसमें दिख रहा है कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ, तो एक एक्सल और यहाँ दूसरे लेफ्ट और राइट एक्सल के बीच में जो यहाँ पर लगा रहता है दैट इज कॉल्ड पोस्टर स्प्रिंग, जिसे हम लोग आईसीएफ में कहते हैं पोस्टर स्प्रिंग और डैशपॉट स्प्रिंग। डैश पार्ट स्प्रिंग यानी प्राइमरी सस्पेंशन अर्थात जो व्हील के पास में लगा रहे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सस्पेंशन, और जो दोनों व्हील के बीच में लगा रहे वो कहलाता है सेकेंडरी सस्पेंशन। तो हम यहाँ सेकेंडरी सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग लगा रहा बूस्टर स्प्रिंग, वो बूस्टर स्प्रिंग चेंज करके यहाँ पर एयर स्प्रिंग लगा दिया गया है। एयर स्प्रिंग की हाइट नॉर्मल कंडीशन में हम 294 प्लस 0 माइनस 5 को मेंटेन करते हैं। अब इसमें प्रेशर कहाँ से आता है, हमको पता है कि जितना भी एक्सेस प्रेशर जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वो एफपी से दिया जाता है। तो हमने फीड पाइप से एक कनेक्शन दिया है, 150 लीटर का टैंक दिया है, 150 लीटर के टैंक से पाइप कनेक्शन दिया है, वो जो यहाँ पर देखिए ये लोड लेवलिंग वाल्व है, इस वाल्व से होकर के इसके अंदर आ जाता है एयर स्प्रिंग में प्रेशर आ जाता है। इसका नॉर्मल फंक्शन मैं बता दे रहा हूँ, आप इस फंक्शन को समझिए कैसे काम करता है। नॉर्मली देखिए कि ये लोड लेवलिंग वाल्व है, इसको हम आगे भी बताएंगे कैसे है बड़ा सिटी में, बट अभी जान लीजिए कि लोड लेबलिंग वाल्व लोड को लेबल करने वाला वाल्व। अनयूजुअल साउंड आ रहा है, जितने लोग हैं सभी लोग अपने स्पीकर को म्यूट कर लीजिए प्लीज।
सभी लोगों को आवाज जा रहा हो तो एकदम क्लियर जान लीजिए कि आप अपने अपने स्पीकर को म्यूट करिए, डिस्टरबेंस होता है। तो ये देखिए कि लोड लेबलिंग वाल्व, लोड लेबलिंग वाल्व मतलब लोड को लेबल करने वाला वाल्व। अब कैसे काम करता है, देखिए ये लीवर है और ये है इंस्टॉलेशन लीवर। इंस्टॉलेशन लीवर का एक एंड देखिए फिक्स है यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि जैसे ही देखिए ये कोच में हमने 294 प्लस 0 माइनस 5 का हाई सिकलाइन से फिट करके दिया गया मेंटेनेंस में। अब मान लीजिए पंजाब मेल है, पंजाब मेल गया, यहाँ से बीटी स्टेशन पर मेंटेनेंस होकर के स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में मान लीजिए इसमें 100 लोग बैठ गए या 72 पैसेंजर का ये है या 80 पैसेंजर इसमें लक्ष्मी कोच में स्लीपर में बैठ गए। अब 80 लोग बैठ गए तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ दबेगा। तो जब ये नीचे की तरफ दबेगा तो चूंकि यहाँ ये फिक्स है तो ये लीवर इसको ऊपर उठाएगा। जब लीवर ऊपर उठाएगा ये इंस्टॉलेशन लीवर ऊपर जाएगा, ये लीवर जो है ऊपर की तरफ उठेगा। उस समय इसमें प्रेशर आना चालू हो जाएगा एफपी से और ये इसमें एयर जाएगा, चार्जिंग होगा, इसे हम कहेंगे चार्जिंग होता है। तो एयर जब जाएगा और ये क्या करेगा, तब तक ये हाइट को मेंटेन करेगा जब तक ये दिखने वाला लीवर जो है ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। यानी अगर ये लीवर ऊपर गया तो इसमें प्रेशर आने लगेगा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए वही जो पैसेंजर बैठे थे वो कल्याण स्टेशन पर करके सब उतर गए। जब उतर गए तो इसमें हवा ज्यादा रहेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा यानी ये लीवर नीचे हो जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ उठने लगेगा तो लीवर नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो इसमें जो इतना एक्सेस एयर है वो एयर निकल करके यहाँ से जा करके लोड लेबलिंग वाल्व के पोर्ट से बाहर निकल करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और तब तक जाएगा जब ये लीवर हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। लक्ष्मी कोच में एयर स्प्रिंग कैसे काम करता है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। लीवर के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड है लोड लेबलिंग वाल्व। अगर ये लीवर ऊपर गया तो इसमें एयर आने लगेगा, अगर ये लीवर नीचे आया तो इसमें से एयर निकल के बाहर जाएगा। यानी ये कहना है कि ये अपनी हाइट को कांस्टेंट यानी एक रिस्पेक्ट में जितना चाहिए उतना बनाए रखेगा, चाहे उसमें लोड बढ़े या लोड घटे। आपने देख लिया लोड बढ़ता है तो ये एयर ले लेता है, लोड घटता है तो एयर निकाल देता है। दिस द बेसिक कांसेप्ट। अब आगे देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में और एयर स्प्रिंग के बारे में। एडवांटेजेस आप लोग लिख सकते हैं, कैपेबल टू सस्टेन हायर लोड, यानी ज्यादा भार ये लेकर के वियर कर सकता है कंपैरेटिवली आइस गियर के कॉइल स्प्रिंग से। मेंटेन कांस्टेंट फ्लोर हाइट ऑफ द कोच, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके कारण एयर सस्पेंशन यूज किया गया है। प्रोवाइड बेटर राइडिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट मतलब एरो एयर स्प्रिंग है तो इसमें झटके वगैरह कम लगते हैं, हम लोग एरोडायनेमिक चीज पसंद करते हैं। तो ये एयर स्प्रिंग है तो राइडिंग कंफर्ट हमारा बढ़ जाता है, यानी चलने पर जो है झटके कम लगते हैं। रिड्यूस पैसेंजर फटिंग, जब झटके कम लगेंगे तो थकान भी कम लगेगा। आइसोलेशन ऑफ स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज, इसमें इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड पिन बुसेज ये सब नहीं लगेंगे, तो ये सब सैंगर वगैरह, तो ये स्ट्रक्चर से जो नॉइज आता था आवाज आता था वो सब नहीं होगा। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, रिड्यूस मेंटेनेंस इफर्ट, तो मतलब मेंटेनेंस फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है, कम इसमें मेंटेनेंस लगता है, ये दिया गया है रिलायबिलिटी। इसका एडवांटेज मेन कंपोनेंट क्या है, एयर सस्पेंशन, इज सस्पेंशन मेड अप टॉप प्लेट एयर बेलोज इमरजेंसी स्प्रिंग एंड स्लाइडिंग प्लेट एंड फास्टनर्स ओरिंग। तो कम्प्लीटली अगर इसको देखना है तो देखिए इसमें 1 से 9 तक जो ये लिखे गए हैं, ओरिंग लगता है, एयर इनलेट लगता है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, फिर ओरिंग टॉप प्लेट है, स्लाइडिंग प्लेट है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप है, इमरजेंसी स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग बेलोज। क्या है जो ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये कहलाता है एयर बेलोज और ये ऊपर टॉप प्लेट है, ये दिस इज नॉट टॉप प्लेट। अब ये यहाँ पर ये लगा हुआ है जो इसके नीचे देखिए कि ब्लैक के नीचे ये दो रिंग बना हुआ है, छोटा सा बड़ा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी स्प्रिंग। ये आपका इमरजेंसी स्प्रिंग है, ये जो ब्लैक कलर में लगा हुआ है
दिखा रहा है। ये टायर देखिए, ये लगा हुआ है जो मैंने बताया कि टीवीएस के टायर है जैसे, और यहाँ से एयर आता है और इसमें चला जाता है, तो ये स्प्रिंग जो है टायर में एयर जाता है तो ये हाइट को ले लेता है कवर, और ये सॉलिड रबर स्प्रिंग है जो कि दिख रहा है आपको। ये कट सेक्शन है एयर स्प्रिंग का, ये कट सेक्शन तो आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि एयर स्प्रिंग कैसे काम कर रहा है। फंक्शनिंग में है तो हमने ये तीनों दिखाया, क्लास ओवर आप इसको देख सकते हैं। वहां पर दिखाया था ये वाल्व लगा हुआ थ्री डी, तो उसका थ्री डी व्यू देख लीजिए यहाँ पर बड़ा। पाइप यहाँ से एयर देगा, एक साइड में डमी प्लग लगा देते हैं, दूसरे साइड से एयर स्प्रिंग में प्रेशर चला जाता है, इसे आता है इधर से चला जाता है। और जब ये नीचे हो जाएगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है और यहाँ से आकर के प्रेशर बाहर चला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये एक्चुअल में जो आपके बीटीसी में रखा हुआ है मॉडल रूम में, वो देख लीजिए इसको, इसको देख लेंगे तो आप एक बार जाकर के लोड डिलीवरी वाल्व चेक कर लीजिए कि इसका बेसिकली काम है चार्जिंग करना और वेंटिंग करना। लोड लेवलिंग को आप इसका फंक्शन दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से है। ये जब थ्रॉटल एयर सस्पेंशन लेवलिंग वाल्व लैब पोजीशन में, जब इसमें ना तो चार्जिंग हो रहा हो और ना तो वेंटिंग, तब ये लीवर का हॉरिजॉन्टल एकदम रहता है, उस समय ये देखिए यप्पी से कनेक्शन रहता है, ये जो बना हुआ है ये इस तरह से रहेगा, यहाँ से ये वाल्व यहाँ रोक देगा और आगे भी नहीं जाने देगा। और जब ये हैंडल ऊपर हो जाता है यानी चार्जिंग होगा, ये चार्जिंग होगा तो देखिए यहाँ पर ये टाइम लगा हुआ है, टाइम के थ्रू ये घूम जाता है, तो जैसे ये ऊपर गया ये नीचे की तरफ हल्का सा आता है, तो वाल्व से ऊपर का प्रेशर जो यप्पी का है वो यहाँ पर आकर के अंदर से चार्जिंग में चला जाता है। और जब यही लीवर नीचे आता है तो ये टाइम के थ्रू ऊपर जाता है, तो ये वाल्व को ऊपर उठा करके ऊपर जो यप्पी का वाल्व रहता था वहां से बंद कर देता है और एयर स्प्रिंग के प्रेशर को यहाँ से जाने देता है। ये डिवाइस का कैसे करता है लोड लेवलिंग वाल्व का फंक्शन, वही चीज यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए थोड़ा कलर दिखा, डायग्राम में दिखाया है, यहाँ लाइव पोजीशन में है यानी ये अब प्रेशर जो यहाँ का है यप्पी का इसमें कहीं आने उन्हें नहीं दे रहा है ये दोनों है, और ये जैसे ही ऊपर की तरफ होता है ये प्रेशर यहाँ पर दे देता है, जाने देता है। और अगर जब ये वाल्व नीचे की तरफ आता है तो ये ऊपर कोरेट कर दिया, बंद कर दिया और यहाँ से प्रेशर निकल करके अंदर चला आया। डुप्लेक्स चेक वाल्व का क्या काम है? डुप्लेक्स चेक वाल्व आपको ये पता हो कि एयर स्प्रिंग आपके एक कोच में एक ट्राली पर दो लगेंगे, एक ट्राली पर दो कैसे, चूंकि बोस्टर स्प्रिंग की जगह लगता है तो हमारा एक ईस्ट साइड लगेगा एक वेस्ट साइड लगेगा, तो ईस्ट और वेस्ट साइड में के एयर स्प्रिंग को आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करके उसमें डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा देंगे। उसका काम क्या रहेगा कि मान लीजिए किसी कंडीशन पर एक साइड का लोड लेवलिंग वाल्व लीकेज करने लगा तो वहां से प्रेशर जो रहेगा वो बाहर निकलने लगेगा, तो बाहर निकलने लगेगा मान लीजिए जैसे लोकल ट्रेन में आप जा रहे हैं, तो लोकल ट्रेन का अगर एग्जांपल लीजिए तो आप ईस्ट साइड का अगर प्रेशर निकलने लगा तो पता चलेगा उस साइड के पैसेंजर ऐसे झुक जाएंगे, तो एक लेवल तक ही ये अलाउड करता है। उसमें क्या होता है जब ईस्ट और वेस्ट के बीच 1.5 kg से ज्यादा का डिफरेंस होने लगता है, 1.5 kg का डिफरेंस हो जाता है उस समय जिस साइड पे ज्यादा प्रेशर है उस साइड से कम साइड में प्रेशर आने लगता है। यही काम है डुप्लेक्स चेक वाल्व का, ये दोनों मतलब एयर स्प्रिंग के बीच में आपस में सामंजस्य बनाता है कि अगर 1.5 kg से ज्यादा का प्रेशर डिफरेंस होगा
तो ज्यादा साइड से कम साइड में प्रेशर आने लगेगा, यानी उसके लेवल को बराबर कर देगा जिससे टिल्टेड होने से बच जाए। तो दिया है डुप्लेक्स चेक वाल्व इज यूज्ड इन बिटवीन द पाइपलाइन कनेक्शन ऑफ द टू एयर स्प्रिंग ऑन द टू साइड्स ऑफ द बोगी ड्यूरिंग दिस फंक्शन लाइफ द न्यूमेटिक सिस्टम लीकेज एट द एयर स्प्रिंग कैन नॉट बी रोल्ड आउट। Duplex check valve is so designed that whenever pressure difference between the two air spring on each side of the bogie due to leakage and whenever region reaches a set of the pressure 1.5 kg/cm², the air will flow from one air spring to another spring through duplex check valve. Thus, the uniform height between the bogie of the coach can be maintained till the leakage are arrested. यानी जब तक उस leakage को हम attend नहीं कर लेते, तब तक के लिए वो एक साइड से दूसरे साइड में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ प्रेशर देकर उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। डुप्लेक्स चेक वाल्व कैसे रहता है ये देख लीजिए इस तरह से। दिस इज द प्योरली स्प्रिंग लोडेड वाल्व है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है डिजिटल। दिस इज द प्योरली स्प्रिंग लोडेड डुप्लेक्स चेक वाल्व है, ये देखिए बड़ा व्यू देख लीजिए। तो ऐसे है इस कैप को रहता है। ये दोनों वाल्व जो है इस वाल्व के थ्रू जो बड़ा वाला है इसमें से इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। अब इसको भी देखते हैं आगे पीछे, देखिए ये है डुप्लेक्स चेक वाल्व जो आपके बीटीसी में रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर बाहर से पोर्ट है, एक पोर्ट इससे कनेक्टेड है, एक पोर्ट इससे कनेक्टेड है और ये वाल्व है। इसका दूसरा साइड लेंगे तो देखिए ये दोनों लगे रहते हैं बैक साइड में, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग लोडेड है, जैसे ही इसमें का 1.5 kg से डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इधर 5 kg है और इधर 3.5 kg से कम हो गया, तो इस साइड का प्रेशर निकल करके इसमें जाने लगेगा, यानी इस साइड से वेस्ट साइड में। ये इससे ये देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है वाल्व, अंदर का इसका व्यू है, मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका प्रेशर यहाँ जा सकता है, इसका प्रेशर यहाँ जा सकता है, जब भी ये आपस में 1.5 kg का डिफरेंस होगा दिया है। देखिए 1.5 kg प्लस माइनस 0.15 bar में अगर हुआ डिफरेंस, तो ये एक दूसरे का प्रेशर एक दूसरे में जाने लगेगा। इंस्टॉलेशन लीवर, द इंस्टॉलेशन लीवर इज यूज्ड टू कनेक्ट लेवलिंग वाल्व टू द ब्रैकेट फॉर प्रॉपर लेवलिंग ऑफ द कोच बॉडी। द इंस्टॉलेशन लीवर हैज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट बोथ एंड्स। व्हेन कनेक्टेड ए लेवलिंग वाल्व लीवर टॉप और बॉटम बॉल सॉकेट जॉइंट ऑफ द इंस्टॉलेशन लीवर शैल इनेबल ए फ्री साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंस्टॉलेशन लीवर का काम मैंने बताया, उस एक्चुअल में यहाँ पे जान लीजिए कि बॉल जॉइंट लगा हुआ है ये। अब इसका ये मेन काम आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लीवर था उसी को ये ऊपर और नीचे करने के लिए लोड लेवलिंग वाल्व में इसका मेन फंक्शन है। एक साइड में फिक्स कर दिया जाता है, एक साइड से ये रोटेट करता है। तो यही रहा इसका वर्किंग ऑफ एयर स्प्रिंग इन द सेकेंडरी सस्पेंशन। हमने बताया आपको किस तरह से ये काम करता है और ये इसके कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि हमको मेंटेनेंस कैसे करना है एयर स्प्रिंग का। एयर स्प्रिंग की हाइट देखिए नापते हैं तो कैसे, हमें एयर स्प्रिंग का गेज बनाए हैं, बीटीसी में रखा हुआ है गेज, इसको आप चेक कर सकते हैं। जब इसको लेते हैं तो 294 - 0 + 5 ये ऐसे ही है, देखिए ये ठीक है। तो यही हाइट जो आपको हमने पहले फोटोग्राफ में दिखाया था यहाँ पर वो हाइट नापते हैं, देखिए 294 + 0 - 5 आपने देखा है यहाँ पर, ये देखिए 294 + 0 - 5 ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मेंटेन करते हैं, उसी हाइट को वहाँ से हमने लिया है। यहाँ पर RDSO का टेम्पलेट है 294 + 0 - 5 और RCF का जो मैनुअल है उसमें 292 + 0 - 5, लेकिन हम जनरली 294 + 0 - 5 ही रख रहे हैं। अभी आप लोग बताइए कि आपको एयर स्प्रिंग समझ में आया कुछ हद तक, एनीवन कैन रिस्पांस, एयर स्प्रिंग क्या है, कैसे फंक्शन करता है, आपको समझ में आ गया?
बताइए, 27 लोग ऐड हैं सर। ये डुअल चेक वाल्व है, एक बॉगी में कितना लगा रहता है, एक ही ना? डुप्लेक्स चेक वाल्व, यस हाँ। डुप्लेक्स चेक वाल्व है, एक बॉगी में एक ही लगा रहता है। हाँ, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का स्प्रिंग को आपस में कनेक्ट करता है, तो एक साइड ईस्ट में रहेगा, एक वेस्ट में रहेगा, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। और कोई प्रश्न एयर स्प्रिंग से संबंधित? आप लोगों ने एयर स्प्रिंग देखा कि नहीं अभी? हाँ सर, उधर लगा हुआ है, तो शेड है उसमें तो लगा हुआ है। लोग ये इंटरनल पार्ट उसका नहीं देख, क्यों बोगी से कनेक्टेड है तो आपके पास बियर, आपके पास मॉडल रूम है, मॉडल रूम में ये जो सारी चीजें मैंने बताया, एयर स्प्रिंग खुला हुआ, कट मॉडल, ये सारे जो मैंने फोटोग्राफ्स लिया है कट मॉडल का, वहीं से है, आपके बीटीसी से। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम के सामने आइए, आप उसको चेक करिए कट मॉडल कैसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ये भी चीज का, तो आप क्या करेंगे बताइए? आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा एयर स्प्रिंग, अब आप उसी खाते हैं कि क्या होता है, कहाँ है, दिखाई नहीं है, साथ वो तो अंदर का था, फिटेड था, यस फिटेड है कोच में, बट कैसे उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे काम करते हैं वो तो आपको दिख जाएगा ना, तो आपको देखना है। तो आप जाइए, अभी मैं फीवा को इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि चूंकि आपको पता है कि इस पे ये फ्री सेशन है जूम का, जूम पर 40 मिनट ही अलाउड रहता है, जिसमें आपका लगभग 35 मिनट हो गया है, तो 5-7 मिनट में तो हम फीवा बता नहीं पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और नेक्स्ट सेशन मोस्टली कर लेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग अभी जाकर के एयर स्प्रिंग को जरूर चेक कर लीजिए, और एयर स्प्रिंग का मेन जो